हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब भाई? होप आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। आज भी यार मौसम बहुत चंगा हो रहा है। 5-6 दिन से ना कभी बारिश आ रही है, मतलब धूप वाला मौसम नहीं हो रहा, मौसम ऑसम हो रहा है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बादल दिख रहे हैं ना, और हमारी गंदी सी ये गली है यार। ये ना बहुत बुरा लग रहा घर में, अजीब अजीब सा पूरे घर की ऐसी मार रखी है इसने। कोई मिस्त्री पकड़ के लाना पड़ेगा जल्दी से इसे ठीक करवाने के लिए। टाइल सारी बची पड़ी हुई है साबुत, इसे ठीक करवाते हैं जल्द से जल्दी। जिसने पिछली बार करा था ना, देखो सारा खोखला ना अंदर से, देखो बहुत ही कम माल भर रखा है इसमें, सीमेंट वगैरह देखो ना, उंगली जा रही है इस अंदर, देखो पूरी हिल रही है। अगर इस हाथ से खींचूंगा ऐसी टूट जाएगी। उस मिस्त्री को मारा भी था मैंने एक बार, फिर भी साले ने देखो काम कितना गंदा करा है। सो गाइस, अभी हम कर रहे हैं नाश्ता पराठे और ऑमलेट के साथ। अभी बज रहे हैं कितने, 12:15 बजे। बताओ नाश्ता हो रहा है हमारा, रात को लेट सोए थे 3 बजे। देखना भाई कहाँ खड़ी है अपनी रानी, गली के बाहर ही हमारी गली है, पर ये हमारी गाड़ी इतनी बाहर गली में पार्किंग नहीं यार। जिसके नीचे घर है वो ही अपनी गाड़ी लगा सकता, हमारा ऊपर का तो ऊपर वालों का बस इतना फ़ायदा वो और ऊपर बना सक रहे हैं। गली में जिसका नीचे घर है वो ही अपने घर के आगे खड़ी कर सकता है। तो ये घर ना खाली है दोनों, यहाँ पर कभी मैं लगा देता हूँ कभी ये लगा देते हैं। क्या हमारा घर है भाई गरीबों का, ये हमारे जो नीचे वाला घर है ये सामने वाले अंकल का है, इनकी गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पे। हमें 10 साल हो गए, 10 साल में ना उन्होंने 3 वैगनार बदल दी। ये वैगनार के बहुत ज़्यादा चाहिए थे, सबसे पहले 3 पे वाइट कलर की वैगनार, उसके बाद इन्होंने जो वैगनार पुरानी वाली थी उस मॉडल आया वो ली, उसके बाद अभी ये वाली ली है ये खड़ी। पहले दोनों वैगनार वाइट कलर में थी, अभी ये वाला कलर लिया है, तीसरी वैगनार है इनकी। वैगनार के बहुत तगड़े चाहिए थे ये। भाई देखो कैसे मेरे साथ बैठ के टीवी देख रही है, पिक्चर आ रही शाहरुख खान की और बैठ के देख रही है। देखो सुनाई, अरे सुनाई मूवी देख रही है, मूवी हैं ये सुनाई आज मूवी देख रही है। गाइस गाइस अभी हम खा रहे हैं ये रेड सॉस पास्ता, कौन सा पास्ता, रेड सॉस पास्ता। कितने बजे, 7:30 बजे। इसमें डालेंगे पहले मेयोनीज, मेयोनीज के साथ ना और ज़्यादा मज़ा आता है इसमें, सारे में मेयोनीज मिला दूंगा, मुझे बहुत पसंद है भाई ये। मेयोनीज मिक्स करके ना और तगड़ा टेस्ट आ जाता है इसमें। कितनी बहुत है और डालूं, कल्लो ये हमारी कल्लो बाजी ने बनाया है, गिर जा ले चलो और ले लूँगा मैं अभी, है ना। वो भाई फिर से हल्की हल्की बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं गली में, बहुत ही लिटिल लिटिल बारिश हो रही है। देखो इधर मौसम साफ है और उधर देखो बिल्कुल काला है, इधर साफ है मौसम और उधर सारा ब्लैक। फलकी छत पे कपड़े तो नहीं सूख रहे, बारिश हो रही है जल्दी जा, बारिश आ रही है। कपड़े धोए थे बाकी तो सूर उतार लाई थी 2 दिन। जाओ जल्दी। तो गाइस देख रहे हो आप कितना मस्त मौसम हो रहा है, जैसे कि एक हफ्ते से लगातार बारिश ही हो रही है, बस एक आधे दिन का गैप लिया होगा बीच में। तो अभी तो यार कहीं जा भी नहीं सकते ना घूमने, क्योंकि बारिश हो रही है। बनाएंगे जल्दी से कोई ट्रिप का प्लान बना रहे हैं हम। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में से कोई साथ चलना चाहे तो भाई पहले बता देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं घूमने जाऊँगा अगस्त में भी और सितंबर में भी, बाद में मुझसे कोई मत बोलना। देखो कितने सारे कपड़े लेके आई है, 4 है बस यही है। जा मेरी पैंट है ये, हाँ। ये कौन सी पैंट है, चल निकल दफान। गाइस हमने आज विपिन भाई को फोन करा किसी काम से और देखो कैसा सीन हुआ हमारे साथ। विपिन भाई 3 सेक्टर में मिल गए टहलते टहलते, पैदल पैदल ही घर आ गए। बिल्कुल एक गली जस्ट पीछे ही थे, मैंने कहा विपिन भाई कहाँ हो, कह रहे भाई तुम्हारे यहीं 3 सेक्टर में, मैंने कहा तो घर पर आ जाओ। अब हम जा रहे हैं विपिन भाई को छोड़ने और वहीं से देखते हैं कहाँ ले जाएगी मंजिल, है ना। बारिश का मौसम हो रहा है, वैसे यार बारिश का मौसम तो हो रहा पर चांद तो पूरा क्लियर दिख रहा है। चलो भाई जाके चलते देखते हैं, मौसम फिर ले रहा है फिलहाल, हमसे मजाक हो रहा हमारे साथ। हमारे ऋषि दत्त व्लॉगर हैं, रील्स के चाहने वालों। नहीं ये बोल क्या हुकुम है मेरे आका। नहीं नहीं सुपरस्टार का इंस्टाग्राम बंद कर दिया, दोबारा चालू हो गया जी, चेक करा है।
आप फैन हो ना उसके। एक बार करके बताइए कैसे करा है। क्या हाल है मेरे रील्स के चाने वालों, नवीन आवाज निकाली, कैसे निकाले? नहीं तू बता, तू अच्छा करेगा, जल्दी करना। गाइस नरवीर भाई से लेने आए थे हम फेस वॉश, कैंटीन से दो फेस वॉश लाके दिए इन्होंने मामा अर्थ के। तो चलो अब घर जा रहे हैं हम, बहुत लेट हो गया है, अब नहाएंगे हैं, अब तीन दिन तक नहाएंगे कंटिन्यू। तो गाइस फिर से हमारी मम्मी कितने सारे आम खा रही है, इन्होंने आज आम खा के ना। गाइस आम खाओ, आम में कुछ नहीं है, आम के अलावा कोई फल नहीं है। अब आज भी बैठगी नहीं, कितने मीठा आम खा रही है। इससे अच्छा कोई फल नहीं है, एक साल में एक बार आता है, खूब खाओ। और मम्मी एक भी दिन नहीं छोड़ दी खाने से, इतने आम खा जाऊंगी, इतने आम खा जाऊंगी, सोची नहीं हुई है। खाओ तुम, ला के दे दो ना, तभी तो खाएंगे। हेलो भैया आप सही हैं। तो गाइस नोई हमारा व्लॉग देख रही है, हाथ रख दिया इसने स्क्रीन पर और खुद चलाया व्लॉग। अब क्या देख रही है, व्लॉग देखो बेटा। हाँ ऐसी बस पप्पी करो मुझे, बहुत प्यारी। देखो हमारी सुनोई हमें पप्पी कर रही है, देखो गले लग रही है, देखो कितना प्यार करती है मेरे से, देखो लेट गई। क्या देख रही है, खाएगी हैं? बस व्लॉग भी देख ले, मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। अरे कि हमारी माँ पता नहीं किसी और के व्लॉग देख रही है, इसका क्या देख रही है धर्मेंद्र, पता नहीं धर्मेंद्र को देख रही है। और यहाँ ये नाटक चला रखा है खाम खा। देखो भाई व्लॉग देखते देखते सो गई है, बस खाती है, खेल कूद करती है और सोती है। इसकी लाइफ भी अच्छी है, सोने की आदत भी से एसी में है बेड पे। देखो भाई अभी पूरी प्लेट खाई थी, फिर से एक और आम ले आई मम्मी। मम्मी कितने आम खाओगी? मम्मी के भाई साहब से देख रहे हो भाई, हाथ का साइज मेरे से भी तगड़ा है, आम खा खा के, है ना मम्मी? अपनी डाइट का राज बताए जरा सा। आम नहीं, मैन तो गो हो ही गए, अब पहले यूं बताओ जा ही रहे हैं वैसे भी आम, मैन गो ही हो रहे हैं सच्ची में, जा रहे हैं तो खाएंगे ना, तो खाओगे तो सही। अपनी डाइट का राज बताइए, इतना तगड़ा बाइसेप्स कैसे आपका? आम मतलब ठंड में थोड़ी चलते हैं आम। ये देखो मम्मी के नाखून मार रही है सोती हुई। ओए हट्टम सोची रहती है तू, क्या कर रही है ए? चलो स्टैंड अप करो, जल्दी थड़े हो जाओ। कहाँ भग रहे हो, कहाँ भग रहे हो? इधर देखो, पहले इधर देखो, क्या है? सोती रहेगी जब देखो नेस्तन, ओ नेस्तन। देखो मेरे भी लात मारने वाली थी अभी, देखो थपथपाऊंगा ना, सो जाएगी, सो जा सो जा सो जा। देखो इतनी आलसी, देखो सो रही है ये। मम्मी आम खा के आवाज़ निकाल रही है ना मुँह से, इस वजह से जग रही है। अच्छा नहीं बोल रहा, सो जाओ सो जाओ सो जा सो जा। देखो सोगी ना, कितना सोएगी भग्गी, अब नीचे जाके सोएगी। जब से इसका फोन आया ना ये भी बिगड़ गई है, पहले ये फोन कम चलाती थी, जब से फोन आया ना ये भी बिगड़ गई है। भैया ले लेते हैं, वो सही नहीं के पास रहता है, इन्हीं के पास रहता है। आज तेरी कॉलेज की छुट्टी थी ना? हाँ कल की थी। क्यों? अच्छा कोई जन... कॉपीराइट आ जाएगा, कोई जनती। और वैसे हफ्ते में 5 दिन का ही होना चाहिए तेरा कॉलेज। 5 दिन का नहीं है, 6 दिन का है, सैटरडे ऑफ नहीं रहता, संडे रहता। नहीं यार मेरे ख्याल से 2 दिन ऑफ रहता। गाइज हमारे टाइम पे भी मतलब सैटरडे संडे ऑफ होता था, 1.5 साल ऐसे चला था, फिर अगले 1.5 साल मतलब 3 साल का कॉलेज था मेरा, फिर संडे मंडे हो गया था, फिर सैटरडे चालू हो गया था। इसके साथ पता नहीं क्या सीन है, कल्लो का नसीब ही खराब है। मेहंदी दिखाई हो, कैसी मेहंदी लगाई है तूने? अपने हाथ पे खुद ही मेहंदी लगा ली। ये तितली पापा की परी और ये मेरी मेहंदी, गंदी लग रही है, बड़ी सड़ेले हो तुम। कल्लो माई आ रही, बिल्कुल कल्लो माई, कोई बात नहीं। ये देखो भाई बाहर बेड पे सोटका के ना, यहाँ जगह मिली है सोने की मैडम को, रस्ते में किचन में सो रही है। कौन सी शर्ट? क्यों शर्ट क्यों चाहिए? अब ये देखो हमारे घर के उग्रवादी से परेशान करेंगे सोते हुए को, उठा दिया ना, देखो 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 कैसे उठा रही है। मम्मी मम्मी देखो वीडियो बना ली मैंने, इसे कैसे उठा दिए।